एकदम हलवाइयों जैसा ये लड्डू आप घर पर बना सकते हैं आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता गुप्ता रेसिपी सबसे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कर दें। बेसन यहाँ पर मैंने एक कप लिया है, वजन में ये 100 ग्राम के आसपास रहेगा। बेसन की क्वालिटी बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। अगर बेसन मोटा है तो मैदे वाली जो छन्नी आती है जिससे हम मैदा छानते हैं उससे आप छान लीजिए। बेसन का बैटर तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिलाते जाएं। इसमें ध्यान से पानी आपको ऐड करना होगा। अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा हो गया तो बूंदी अच्छी नहीं बनेगी और आपको फिर से इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए बेसन मिलाना पड़ेगा, जिससे इसका मेज़रमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान से एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और मिलाते जाइए। जब इस तरह से आप बैटर तैयार कर लें जिसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो, तो एक बार आप इसे चेक कर लें। चेक करने का तरीका है, आप एक चम्मच लें, इसमें डुबा कर निकालें और ये देखिए पीछे वाले पार्ट को आप थोड़ा सा क्लीन करेंगे तो देखिए एक पतला सा कोट आया है चम्मच में। जहाँ पर कोट है बेसन का वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाथ में लगा के देखिए बिल्कुल इस तरह से एक लेयर आ गया है। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। एक कप मैंने पानी लिया था जिसमें लगभग आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। पानी थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, आपके बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कितना वो थिक है या फाइन है। और सबसे लास्ट में आप क्या करें कि कितना भी अच्छा आपने बैटर बनाया हो लेकिन उसे एक बार छन्नी से छान लें, बारीक वाली छन्नी से। तो उसमें अगर कोई भी छोटी मोटी गुठलियाँ होंगी वो निकल जाएंगी और जो आपका बैटर बनेगा बिल्कुल फाइन बनेगा। तो इस बैटर से आप जितना चाहें छोटी छोटी बूंदी बना सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए बेसन मैंने पहले ही छान कर लिया था तो फिर भी इसमें जो थोड़े बहुत फाइबर हैं निकल गए हैं। अब ये बैटर काफ़ी बढ़िया तैयार है। इसकी बूंदी हम बिना झारे का बनाने वाले हैं। तो आपके घर में अगर जिपलॉक बैग है तो आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो कॉर्नर होते हैं बहुत ही क्लीन होते हैं, तो इससे जो बूंदी निकलेंगी बहुत अच्छी तरह से निकलेंगी। आपके पास पाइपिंग बैग है जिससे हम केक की आइसिंग करते हैं उसको ले सकते हैं, या मिल्क का पैकेट है उसे ले सकते हैं। इसका भी कॉर्नर काफ़ी अच्छा शार्प होता है, क्लीन होता है। नमक का पैकेट इस्तेमाल ना करें, उसका कॉर्नर शार्प नहीं होता है। या आप ऑयल का पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पैकेट में हम बेसन के घोल को डाल देंगे और अच्छी तरह से ऊपर हम बंद कर देंगे। जिपलॉक बैग है तो इसको लॉक कर दीजिए, नहीं तो आप रबड़ लगा सकते हैं ऊपर। और फिर इसके कॉर्नर को हम बहुत ही ज़रा सा काटेंगे, बिल्कुल छोटा सा काटिएगा जिससे इसके बूंदी छोटे छोटे निकलें। ये देखिए जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, प्योर घी में नहीं बनाए जाते। 50% रिफाइंड ऑयल और 50% देसी घी डाला जाता है। वैसे देसी घी आप ज़्यादा ना डालना चाहें तो कम से कम 1 से 2 चम्मच तेल में डाल लीजिए, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो कढ़ाई लें थोड़ा डीप लें और तेल की मात्रा थोड़ी अधिक रखें। जैसे ही आप इसमें बूंदी डालेंगे तो बूंदी नीचे तक जानी चाहिए, तब इसका अच्छा सा गोल शेप आता है। तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करें, उसके बाद गैस को धीमा करके आप इस बूंदी को निकालते जाएं। बैटर के बैग को थोड़ा ऊपर करके ड्रॉप करें, हल्का सा प्रेस करके रखें और उसको होल्ड करें एक जगह। उसमें से अपने आप बेसन की बूंदी तेल में घिकती जाएंगी और सुंदर सुंदर छोटे छोटे गोल गोल मोतियों जैसे आपकी बूंदी बन जाएगी। जब कढ़ाई बूंदी से भर जाए तो तुरंत बनाना रोक दें और तुरंत आप इसे छान कर निकाल लें। बिल्कुल बारीक वाली जो छन्नी है उसका इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर चाली छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मल छन्नी से ये बाहर नहीं निकल पाएगी। और पूरी अच्छी तरह से तेल निकाल लें और ये काम फटाफट करें, क्योंकि इतनी ये बारीक होती है जल्दी से ये जल भी जाती है। और ये देखिए हमारी ये बूंदी निकल गई। अब इसे एक छन्नी में रख कर सारा हम इकट्ठा कर लेंगे बूंदियों को, और सारी बूंदी मैंने बना ली है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक बनी है, एक साइज की, कोई छोटा कोई बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। और इससे जो हम लड्डू बनाएंगे काफ़ी अच्छी बनने वाली है, एकदम मार्केट के जैसा। तो सबसे पहले आराम से सारी बूंदी बना कर रख लें, उसके बाद चाशनी बनाएं।
चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कप और दो बड़े चम्मच के बराबर शक्कर लिया है। आप मीठा थोड़ा कम करना चाहें तो थोड़ा शक्कर की मात्रा कम कर दें, थोड़ा ज़्यादा रखना चाहें तो थोड़ा सा शक्कर और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक कप पानी डालकर शक्कर को हम मेल्ट करेंगे। इस चाशनी में ही मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, जिससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आएगा, साथ में थोड़ा सा ऑरेंज कलर। वैसे आप बिना कोई कलर डाले केसर डाले भी लड्डू को बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जब चाशनी में उबाल आ जाए तो इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट तक पका लीजिए, जिससे चाशनी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। चाशनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैसा शहद होता है ना हनी, वैसी होनी चाहिए, चिपचिपी सी रहनी चाहिए। इसका एक तार दो तार नहीं बनाना है, बस ये थोड़ा सा चिपचिपा रहे, गाढ़ा हो जाना चाहिए चाशनी। तो बिल्कुल चाशनी ऐसी मेरी तैयार हो गई है। अब मैंने क्या किया है, गैस को बंद कर दिया और इसे मैंने नीचे रख लिया है। अब इस गर्म चाशनी में फटाफट सारी बूंदी को हम डाल देंगे और अब इसे हम फटाफट चाशनी में मिलाएंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि चाशनी काफ़ी पतली है, लेकिन थोड़ी देर में ही सारी बूंदी चाशनी को पी जाएगी। तो इस तरह से मिलाकर चाशनी में इसे ढक कर रख दें करीब आधा घंटा के लिए, तो पूरा अच्छे तरह से ये सोक कर लेगा बूंदी चाशनी को। आधे घंटे के बाद अब ये देखिए जो बूंदी थी चाशनी को पूरी पी गई है और बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये देखिए। तो अब इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा मिला लेंगे चम्मच से दबा दबा कर। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल लीजिए फ्लेवर के लिए। आप यहाँ पर चाहें तो थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मगज डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस लड्डू को बिल्कुल प्लेन बनाने वाली हूँ। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसका लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। लड्डू बनाने के बाद अगर ये बिखरने लग रहा है तो यानी थोड़ी सी इसमें कमी है चाशनी में, तो इस समय क्या करें, गैस पर रख दें मीडियम फ्लेम पर और इसे चलाएं। 1 मिनट तक आप थोड़ा सा उलट पलट कर चला लें तो जो थोड़ा कसर रहेगा चाशनी का वो कंप्लीट हो जाता है और अच्छी तरह से ये बाइंड होने लगेगा। चम्मच से मिलाते रहिए। आप इसे बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें, एकदम कम से कम 1 मिनट तक ही पकाएं मीडियम से लो फ्लेम पर, और इसके बाद नीचे उतारें और ठंडा होने के लिए इसे थोड़ा फैला कर रख दें। इसके बाद ही इसके लड्डू बनाएंगे। ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बहुत अच्छी बनेगी। कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें नहीं डालना है, बस थोड़े से चाशनी का ध्यान आपको रखना है। अब देखिए मैं इसके लड्डू बना रही हूँ और ये कितनी आसानी से बन जा रहा है। अब ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और ना ही ठंडा होने के बाद ये हार्ड होगा, चाहे आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें। और इस तरह से सारे मैंने लड्डू बना लिए और ये देखिए मेरी जो कढ़ाई है ये बिल्कुल क्लीन हो गई, कोई चाशनी नहीं है, कुछ नहीं है, और कितना बढ़िया से एकदम सारे लड्डू बन चुके हैं। आप चाहें तो इस लड्डू को चांदी के वर्क से या फिर कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं, दिखने में ये काफ़ी सुंदर लगेगा और ये घर के बने लड्डू सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आपका जब भी मन करे या कोई फेस्टिवल है, ख़ास मौका है, तो इस लड्डू को बनाइए इस तरीके से, बहुत बढ़िया बनने वाले हैं। अब ये लड्डू ठंडा होने के बाद भी एकदम नरम बना हुआ है, एकदम हलवाइयों जैसा ये लड्डू आप घर पर बना सकते हैं आसान तरीके से। सारे मेजरमेंट और स्टेप को फॉलो करिए तो आपके लड्डू भी काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं। तो आज मेरे मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने घर पर भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग जाती है तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को भी ज़रूर से शेयर करें। और अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे आने वाले न्यू रेसिपीज़ के वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं मेरे किसी नई अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।